बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं इस हाउस को और इस हाउस के ज़रिए पूरे सूबे की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये हमारा पुलिस के हवाले से जो बिल एक पास हुआ है, उसका जो मकसद है, बुनियादी मकसद वो ये है कि आवाम के जान माल का तहफ़ और एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसका फ़हाल होना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके अंदर हम जो कुछ चीज़ें लाए हैं उसकी वजह यह है कि हमने देखा है और हमने अपने तजर्बे से सीखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इख्तियार का गलत इस्तेमाल जो है बाज़ औक़ात किसी को बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर नुकसान दे सकता है। और उसके ऊपर जब तक हम मुकम्मल तौर पर एक ऐसी कमेटियाँ ना बनाएँ कि जो कि इंडिपेंडेंट हों और उस पर हर तरह के लोग हों, और ज़ाहरी बात है पार्लियामेंटेरियन भी चूँकि अवाम के मैंडेट से और अवाम के वोट से आते हैं और उनकी नुमाइंदगी भी ज़रूरी है ताकि एक बेहतरीन तरीके से कोई भी अगर चीज़ आती है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई मसला आता है, किसी को इशू आता है, तो वो उस तरीके से एड्रेस हो कि अवाम को मुतमईन करना हमारा एक फ़र्ज़ है और हमारी एक जिम्मेदारी है, और उसी की वजह से अवाम ने हमें यहाँ पर मुतहिक करके भेजा है। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है हमारी पुलिस की बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं और इंशाल्लाह अभी पुलिस के साथ हम खड़े हैं। हम अपने पुलिस के शहीदों को, अपने उन गाजियों को जो इस वक्त भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दी का, उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें बनाई गई, फिर यहाँ पर लाई गई, फिर यहाँ पर उस पर डिस्कशन हुई, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उनके तमाम जो मसाइल उनके भी हैं इंशाल्लाह उनको भी हल करने के लिए जिस तरीके से अभी हम उनको जितना फंड दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम मिलके इस सूबे के अमन के लिए और इस सूबे की अमन के साथ साथ इस सूबे के अवाम को जो कानूनी तौर पर जो पेचीदगियाँ हैं, जो कानूनी प्रोसेस गुजरते हैं, उसके अंदर मिलके एक बेहतर सहूलियात के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि एक जो एक गैर आइनी एक जो इकदाम हुआ है और जिसके ऊपर कल बल्कि आज सुबह कहूँ या रात कहूँ समझ नहीं आ रही, डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो है की गई है और उस पे जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आज एक सियाह दिन है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तो जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो अवाम इंसाफ के लिए किस तरफ देखेगी? इससे पहले भी हमारे बहुत से इदारे बनाए गए और उन इदारों को बनाया इसलिए गया कि प्रोटेक्शन के लिए लोगों का पैसा लूट कर अपने ही मर्जी के बंदे बिठा के वही फैसला करते हैं कि पैसा लूटा गया या नहीं लूटा गया। आप नैब को देख लें, नैब ने क्या किया आज तक? नैब ने कुछ भी नहीं किया, नैब ने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। मैं बदला लगाऊंगा वो मेरे कहने पे विक्टिमाइज करेगा, आप लगाएंगे वो आपके कहने पे विक्टिमाइज करेगा। ये रिजल्ट निकला है अवाम का, हंड्रेड ऑफ बिलियंस रुपीज जो है स्पेंड हो चुके हैं उसके ऊपर, जबकि आउटपुट कुछ नहीं है सिवाय विक्टिमाइजेशन के। तो जब अपनी मर्जी के बंदे आप बिठाएंगे और मर्जी के बंदों से आप फैसले कराएंगे, मर्जी के बंदों को आप इख्तियार देंगे, तो कभी भी वो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका सबूत ये है और हाल ये है कि आज पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है कि कर्जों में हम डूब चुके हैं, आप जिस इदारे में जिस सेक्टर में देखें पाकिस्तान नीचे जा रहा है गलत पॉलिसियों की वजह से, और ऐसे गलत इस तरह के जो तरमीमें की गई हैं गैर आइनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ अवाम को तो फायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फायदा उठा रहे हैं। और ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आइनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओबलाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आज़ाद का लफ्ज़ खत्म करके महकूम बना दिया गया है। इंशाल्लाह ये तरामीम कोई समझता है अगर ये गैर आइनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाल्लाह वहाँ मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, ख़त्म करेंगे, वो तरामीम लाएंगे, हम वो तरामीम लाएंगे कि जिन तरामीम से इस कौम को फ़ायदा हो।
इस मुल्क की आवाम को फायदा हो, इदारों की मजबूती हो, बजाय इदारों को कमजोर करने के, अपने नीचे लाने के। साथ साथ जनाब स्पीकर मैं ये बताना चाहूं कि हमारी एक नजरिए की जंग है। उस नजरिए की जंग में अगर कोई ये समझता है कि वो जोर से, जबरदस्ती से, जबर से हमें पीछे हटा लेगा, तो कुछ लोग तो कमजोर होंगे। और मुझे आज बरबला में कह रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुश्किल वक्त आया हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर। हमें पता चल गया कि कौन क्या था, हमें पता चल गया कि कौन जमीन फरोश था, कौन गद्दार था, कौन बुजदिल था, और कौन वो लोग थे कि जो नजरिए के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जिन जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए उस सब में खड़े हुए, इंशाल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। इस पार्टी में किसी ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है कि जो नजरिए से हटकर कोई बहाना बनाए, जमीन फरोशी पैसों पे करे या बुजदिली से करे। बात एक ही है, हमारे लिए बराबर है ये चीज, चाहे बुजदिली से वो गद्दारी करे, चाहे वो बिक के गद्दारी करे। गद्दार गद्दार है, तारीख में गद्दार को गद्दारी कहा जाता है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी थी। जो कहता है कि मजबूरी थी, इस्तीफा दे देता, इस्तीफा दे देता ना, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जाति मफाद के लिए जो लोग इस आवाम को धोखा देकर, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर, जो लोग जाति मफाद के लिए जिन्होंने अपनी वफादारियां बदली हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कौम तो उनसे हिसाब लेगी ही लेगी, हम भी हिसाब लेंगे जरूर। हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इनको। अगर किसी का यह ख्याल है कि बड़े आराम से हजम कर लेगा, इंशाल्लाह इतने आराम से हजम नहीं होगी। और ये जो जितने इदारे हैं, जो फैसला साज हैं इस वक्त, मैं सबको ये पैगाम दे रहा हूं, बरबला ये पैगाम दे रहा हूं कि आप जवाब दे हैं इन चीजों का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में जो भी करें आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हर एक का मुंह बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जारी है। इस वक्त भी हमारा लीडर इमरान खान बेगुनाह जेल में है। जिस तरीके से इस गैर आइनी तरामीम को पास करने के लिए इस टाइम पीरियड में इमरान खान से मुलाकात बंद की गई, उसको बिल्कुल आइसोलेशन में ले जाया गया, और जो हरकतें की गई वो भी हमारे दिलों में भी हैं, हमारे जहनों में भी हैं, हमारी कौम के भी सामने हैं, और इंशाल्लाह हम जवाब मांगेंगे इसका। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी हमने तरीरें सुनी यहां पे कि जी माएं और बहनें सांझी होती हैं, बड़े बड़े दावेदार हमने देखे जमहूरियत के चैंपियन, लेकिन जब हमारी तरफ बात आती है, इमरान खान की बहनों की बात आती है, तो एक भी अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल रहा। ये दोहरा मयार अवाम के सामने आ चुका है। इस वक्त भी हमारे दो पार्लियामेंटेरियन प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद, एक तो बेगुनाह है, कैद किया हुआ है, प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद आज इलाज में मौजूद नहीं है। आखिर किस बुनियाद पर हमारा एक कैबिनेट मेंबर लियाकत खान और एक अनवर सैफ खान हमारा पार्लियामेंटेरियन प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद नहीं आ रहा इस इलाज में? इसके ऊपर मेरे ख्याल में हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। कोई अगर वहां बैठा ये समझ रहा है कि हर वक्त वही माहौल रहेगा, तो ये तुम्हारी भूल है, कल आप भी हो सकते हो। तो इसलिए हक के लिए, सच के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, बराबरी के लिए आवाज उठाओ। और जो ये आवाज नहीं उठाता, वो अपने लिए वो रास्ता बना रहा है, वो अपने लिए वो गड़ा खोद रहा है, जिसमें भी तो ये समझ रहा है कोई और गिर रहा है, लेकिन वो खुद भी उसमें गिरेगा। इसी तरह हमारी पार्टी के आलम खान सवादी साहब, इस उम्र में उनको गिरफ्तार करके, पहले भी गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया हुआ है बगैर वजह के। हमारे इस वक्त वर्कर्स एटीए के अंदर खमखा डाल दिया गया, उधर पेशी है, पेशी पे जाज साहब नहीं आए, जाज साहब छुट्टी पे चले गए, 100 वर्कर की पेशी है, वहां पे जाज साहब नहीं आए, उस वजह से कोई और जज भेज देते। किसी के बच्चे का क्या जेल में
कुछ दिन ज्यादा गुजारना कोई अहमियत नहीं रहता स्कूल के अंदर। क्या उन माओ, उन बहनों, उन वालदेन के जो बच्चे हैं, या किसी बच्चों के वालदेन हैं जो इस वक्त जेल में हैं बेगुनाह, तो क्या उनका एक घंटा या एक लम्हा या एक हफ्ता या एक दिन कोई अहमियत नहीं रखता? क्योंकि यहां पर अशराफिया है फैसले करने वाली, जिसको दिल करे अंदर डाल दो, जिसको दिल करे जो कर दो। मैं समझता हूं हमारे इंतजार पजोता साहब हमारे वकील हैं, वो गायब है, कितने दिनों से वो गायब है, कोई पता ही नहीं है वो कहां है। अदालत पूछ रही है कहां है, वो कहते हैं ढूंढ रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, आईजी पंजाब साहब आप केपी हाउस में तो बड़े धड़ल्ले से रेजा के साथ तो पुलिस घुस जाते हैं, इधर बंदा आप कह रहे हैं गायब है, ये आपकी परफॉर्मेंस है? इस्तीफा दो, घर जाओ, नहीं कर सकते हो तो घर जाओ। डाका मारने के लिए, गाड़ियां लूटने के लिए, सामान लूटने के लिए, उस वक्त तो आप बड़े तेजियां दिखाते हैं, और यहां पे आप कह रहे हैं जी हम ढूंढ रहे हैं पता नहीं चल रहा। अगर तुम्हारा बेटा होता, ये तुम्हारा भाई होता, तो फिर उसका पता चल जाता, और कल तुम्हारा बेटा भी हो सकता है, कल ये तुम्हारा भाई भी हो सकता है। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं, चाहे सियासी पार्टियां हैं, चाहे किसी इदारे के कोई भी लोग हैं, ये जो आप फैमिलियों की तरफ इस तरीके से आप जो ये रस्म और रिवाज कायम कर रहे हैं, ये अपने घर की तरफ रास्ता दे रहे हैं आप लोगों को, खुदारा ये गलत रस्म है, गलत रिवाज है, इतना किया जाए इससे। ये वो रास्ता है जो आप दिखा रहे हैं अपने घर का, ये रास्ता आपके घर को भी जाता है, ये रास्ता आपके भाई की तरफ भी जाता है, आपकी फैमिली की तरफ भी जाता है, आपके बच्चों की तरफ भी जाता है, आपकी तरफ भी जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में किस सोच के साथ इस मुल्क को चलाया जा रहा है, किस सोच के हमें लेंगे लोग, और किस सोच से ये समझ रहे हैं कि हम तो अल्लाह माफ करे वो समझ रहे हैं कि ऐसा ही रहेगा हमेशा, या ये ताकत या सब कुछ इनके हाथ में ऐसे ही रहेगा। इस मुल्क में कोई ऐसा नहीं आ सकता ऊपर कि जो इनसे पूछेगा इनसे हिसाब लेगा। फिर जब हिसाब की बारी आती है तो कोई कान नस जाता है, कोई कान नस जाता है, कोई कान नस जाता है। ये हमारी तारीख है, सब नशे हुए हैं, पाकिस्तान को लूट के, गलत फैसले करके, गलत पॉलिसियां करके, जानी और माली नुकसान इस मुल्क और मुल्क की आवाम को देकर फिर नस जाते हैं। हमने तो यही रहना है जनाब स्पीकर, हमारा ये मुल्क है, तो जिन्होंने यहां पर रहना है फैसले उनको करने दो। मेरी आवाम से यह अपील है कि वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है आज कि आपने ये फैसला करना है कि जो चीजें आपने देखी हैं आपके बच्चे अगर ना देखें, आप चाहते हैं कि वो ना देखें, तो आपको उठना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, फेसबुक पे बैठकर पोस्ट करके मजीद इनकलाब नहीं आते, अब इनकलाब है, अब फिजिकली आना पड़ेगा, आगे फिजिकली निकलना पड़ेगा, गिनती में आना पड़ेगा खड़ा होकर। कोई बुजदिल है पीछे खड़ा हो जाए, बहुत से बहादुर हैं सीने पेश करने के लिए, खड़ा तो हो ना, क्योंकि अगर ये जंग हमने अब जीतनी है इस कौम के लिए, ये कौम की जंग है, किसी की जात की जंग नहीं है, तो हमें फिजिकली इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, फिजिकली आगे बढ़ना पड़ेगा, फिजिकली मुकाबला करना पड़ेगा, और फिजिकली इस कौम को अब निकलना पड़ेगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ये समझता है कि हम पीछे हट जाएंगे, ये इनकी भूल है। हम तैयारी कर रहे हैं, अब एक और तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी करके अब फिर आएंगे, इस दफा मजीद एक और सोच के साथ आएंगे, मजीद लोगों की सोच डेवलप करके आएंगे, मजीद मजबूत होके आएंगे, तैयार होके आएंगे, और जब तक हम इस कौम की जंग, हकीकी आजादी की जंग में फतह हासिल नहीं करते, हम वो पश्तों में कहते हैं ना, या बस सर माता हूं या बस घर माता हूं, या हम अपने सर तुड़वाएंगे, और या हम ये गरूर का पहाड़ हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह। और हमें अल्लाह पे यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह अल हक है, हक का साथ देता है, तकलीफात भी आती हैं, कोशिश करनी चाहिए इंशाल्लाह, हमारी कोशिश जारी है। मैं यहां पर अभी भी दोबारा वार्न कर रहा हूं कि आपने जिस तरीके से अपने हाथ में ये गैर आइनी तरमीम करके सीनियर मोस्ट जज के बजाय अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया है, अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया अपॉइंट, तो इंशाल्लाह
हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पर। हम निकलेंगे, हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हम अपनी अदलिया को गुलाम नहीं बनने देंगे और हम उसके लिए आवाज भी उठाएंगे, हम तहरीक भी चलाएंगे, हम मार्च भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम मुकाबला भी करेंगे और हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है। और अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो हमारा कहते हैं ना छाना एक होता है, अब तो छाना लग गया है, छाने में पता चल गया है, इनको ही पता चल गया है 2.5 साल से इन्होंने जो हरकतें की, बार बार की, हर तरह के हरफे आजमाए। आप निकलते 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 आहिस्ता आहिस्ता वो लोग सामने आ रहे हैं जो सिर्फ एक चीज पे यकीन रखते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले खड़े हो गए हैं इंशाल्लाह, चाहे वो पार्लियामेंट में है और चाहे वो अवाम में, अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगेगा इंशाल्लाह और ये सारी अवाम में से वो लोग निकलेंगे और इस यकीन और ईमान के साथ इंशाल्लाह अपनी हकीकी आजादी और ये जो फिरौनियत, ये जो जबर, ये जुल्म और अपनी जात के लिए जो ये तरामीम की जा रही है, इस मुल्क के कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस मुल्क के इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, महकमों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है, इंशाल्लाह इस सब चीज से इंशाल्लाह हम आजादी लेंगे। वक्त करीब है, मैं पूरे पाकिस्तान की अवाम को पैगाम दे रहा हूं, वक्त करीब है, आप तैयारी कर लो। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, डू और डाई। डू और डाई के अलावा हल इसलिए नहीं है कि हमारे पे बार बार वो चीजें मुसलत की जा रही हैं, बार बार वो चीजें मुसलत की जा रही, उन लोगों की तरफ से की जा रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। जंग है नजरिए की, जंग है हक की, जंग है सच की और अब ये जंग जिहाद, जिहाद की सूरत इख्तियार कर चुकी है। सारे जाके कुरान में जिहाद के बारे में पढ़ लो कि जिहाद के बारे में क्या हुक्म दिया गया कि पहले आप जालिम हुक्मरान के खिलाफ मुंह से बात करें, फिर अगर मसला नहीं होता फिर आप फिजिकल होंगे, माली और जानी जिहाद। जानी जिहाद का बाकायदा जिक्र आया है, इसलिए नहीं आया कि खाली पढ़ लो, इसलिए आया कि जब वो वक्त आए, वो नौबत आए तो फिर जाने देने के लिए तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह हम लोग अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं यहां से पख्तूनख्वा की अवाम को और पूरे पाकिस्तान की अवाम को कि हम इंशाल्लाह आपको लीड करके इसके लिए तैयार हैं, आपको हम लीड करेंगे इंशाल्लाह और ये जंग अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया।